बिहार की मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के रिजल्ट बहुत अधिक चौंकाने वाले नहीं रहे। आरजेडी और बीजेपी ने अपने अपने किले को बचाने में सफलता हासिल की है। मोकामा से आरजेडी की नीलम देवी तो गोपालगंज से बीजेपी की कुसुम देवी को सफलता हाथ लगी है। हाँ, गोपालगंज में असदुद्दीन ओवैसी ने जरूर चौंकाया और महागठबंधन के लिए सियासी अलर्ट भी जारी कर दिया कि उन्हें कमजोर समझने की गलती भूल कर भी ना करें। इन दोनों सीटों पर आए रिजल्ट पर मनन और मंथन चल नहीं रहा था कि निर्वाचन आयोग ने कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की डुगडुगी बजा दी। इस सीट पर नॉमिनेशन भी शुरू हो चुका है। हालांकि कोई बड़ी पार्टी ने आज के दिन नॉमिनेशन नहीं किया है। नॉमिनेशन का कार्य 17 नवंबर तक चलने वाला है। निर्वाचन आयोग के अनुसार 18 नवंबर को नॉमिनेशन फॉर्म की स्क्रूटनी होगी। नॉमिनेशन वापसी की अंतिम तारीख 21 नवंबर है। 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, वहीं 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी और एक बार फिर पता चलेगा कि यहां से कौन भारी पड़ा, महागठबंधन या फिर एनडीए। बता दें कि कुढ़नी फिर आरजेडी की सिटिंग सीट है और यहां के अनिल सहनी की विधायक की सजा याफ्ता होने के कारण खत्म हो गई है। दरअसल कुढ़नी विधानसभा सीट 2020 के चुनाव में आरजेडी कोटे में चली गई थी। तब आरजेडी ने अनिल सहनी को अपना उम्मीदवार बनाया था और वो जीत भी गए थे। लेकिन विधायक बनने के पहले अनिल सहनी राज्यसभा के सांसद थे और उन पर एलटीसी घोटाला का आरोप लगा था। इसकी सुनवाई लगातार चल रही थी और इसी मामले में उन्हें सजा सुनाई गई थी और 2 साल से अधिक की सजा सुनाए जाने पर उनकी विधायकी रद्द हो गई और अब वहां से उपचुनाव कराए जा रहे हैं। इसे देखते हुए एक बार फिर बिहार में चुनावी शतरंज की बिसात लगभग बिछ चुकी है। बस उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है। मोकामा और गोपालगंज की तरह ही कुढ़नी विधानसभा सीट पर भी महागठबंधन और एनडीए के बीच आमने सामने की लड़ाई होगी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो आमने सामने की लड़ाई को लेकर अंदरखाने में आम लोगों से लेकर खास लोगों तक से जनसंपर्क अभियान जो है शुरू कर दिया गया है। भले ही फिलहाल बैट्समैन का पता नहीं है, लेकिन फील्डिंग सजने लगी है। हालांकि कुढ़नी के लोगों ने ये बताना शुरू कर दिया है कि नीतीश कुमार हों या फिर तेजस्वी यादव अथवा बीजेपी के बड़े नेता, वे लोकल उम्मीदवार को ही तरजीह देंगे, बाहरी उम्मीदवार को टिकट नहीं दें। कुढ़नी के लोगों की इस मांग पर अभी तक किसी भी बड़े दल से कोई भी अधिकृत बयान सामने नहीं आया है, लेकिन टिकट के लिए मारामारी शुरू हो चुकी है। सूत्रों की माने तो बीजेपी में टिकट को लेकर कोई बड़ा संकट नहीं है और यह भी फाइनली है कि कुढ़नी सीट एनडीए की ओर से बीजेपी कोटे में ही जाएगी। लेकिन सूत्रों की माने तो इस बार महागठबंधन में ही ये तय नहीं हुआ है कि ये सीट किसके कोटे में जाएगी, यहां से आरजेडी को टिकट मिलेगा या फिर जेडीयू को। इसी की वजह से महागठबंधन से उम्मीदवारों के भी नाम तय नहीं हुए हैं। आने वाले 3-4 दिनों में ये पता चल जाएगा कि ये सीट आरजेडी को मिली या फिर जेडीयू के हिस्से में चली गई। लेकिन इसके पहले थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। दरअसल 2020 में बीजेपी और नीतीश कुमार का गठबंधन था और ये सीट बीजेपी के कोटे में गई थी, लिहाजा इस सीट से कई टर्म विधायक रहे जेडीयू के मनोज कुशवाहा को टिकट नहीं मिला। बीजेपी ने यहां से केदार गुप्ता को टिकट दिया था। 2015 में केदार गुप्ता यहां से विधायक रहे थे। खास बात ये कि 2015 में केदार गुप्ता तब चुनाव जीते थे जब जेडीयू और आरजेडी महागठबंधन में थे। इसके बाद भी बीजेपी चुनाव जीत गई थी और जहां तक 2020 की बात है तो 2020 में भी बीजेपी के केदार गुप्ता की अच्छी स्थिति थी और उन्होंने काफी मजबूती से चुनाव लड़ा था, लेकिन महज 712 वोट के अंतर से ही चुनाव हार गए थे। लेकिन अब चुनावी मौसम बदल गया है, स्थिति फिर से 2015 वाली ही हो गई है, यानी महागठबंधन में जेडीयू और आरजेडी दोनों आ गए हैं। ऐसे में जेडीयू से कई टर्म विधायक रह चुके मनोज कुशवाहा फिर से एक्टिव मोड में आ गए हैं। वे जेडीयू से टिकट के दावेदार हो गए हैं और अंदर ही अंदर गोटी सेट करने में भी लग गए हैं। कहा जाता है कि मनोज कुशवाहा ने पिछले दिनों जेडीयू के बड़े नेता मंत्री विजय चौधरी और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से मुलाकात भी की थी। इसके साथ ही वे लोगों से चुनावी मोड में भी मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि मनोज कुशवाहा को नीतीश कुमार के करीबी होने का लाभ मिलने की ज्यादा उम्मीद है। दूसरी ओर एलटीसी घोटाले में सजा सुनाए जाने के बाद विधायकी गंवाने वाले अनिल सहनी भी टिकट की जुगत में हैं। वे अपनी पत्नी को आरजेडी से टिकट दिलाने के लिए जोर शोर लगा रहे हैं। वहीं आरजेडी से ही स्थानीय नेता शेखर सहनी भी टिकट के जुगाड़ में लगे हुए हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि महागठबंधन से ही कुछ अन्य युवा चेहरे भी टिकट के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी पृष्ठभूमि के मुक्तेश्वर सिंह को भी आरजेडी से टिकट की रेस में शामिल माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुक्तेश्वर सिंह ने ही बोचहा उपचुनाव में तेजस्वी यादव के लिए A to Z फॉर्मूले में अहम भूमिका निभाई थी। कुढ़नी उपचुनाव की अटकलों के बीच वे कई बार तेजस्वी यादव से मिले भी हैं। वे आरजेडी के दिग्गज नेता और लालू यादव के हनुमान कहे जाने वाले भोला यादव के करीबी भी माने जाते हैं। बहरहाल मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के परिणाम के बाद अब सभी सियासी दल कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में जुट गए हैं।
दोनों जगहों के परिणाम को देखते हुए कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। आपने देखा कि किस प्रकार मोकामा और गोपालगंज की लड़ाई में तस्वीर क्या साफ हुई। मोकामा में जहां आरजेडी का परचम लहराया जो कि यथावत रहा, तो वहीं गोपालगंज में भी बीजेपी की स्थिति उसी तरह रही और वहां भी बीजेपी ने पहले की तरह अपना झंडा गाड़ा है। दिलचस्पी तो इस बात को लेकर भी है कि इस उपचुनाव में बिहार के प्रमुख राजनीतिक दल चुनाव लड़ेंगे, साथ में वे पार्टियां भी कूदने को तैयार हैं जिनके पास अपने कास्ट के आधार वोट पर पकड़ है। इसमें मुकेश सहनी का नाम जोर शोर से लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी कुढ़नी से लड़ने का मन बना रही है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बजाबता कुढ़नी में उम्मीदवार उतारने की घोषणा तक कर दी है। अब ऐसे में बता दें कि एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि अगले 2-3 दिनों में वहां से कौन चुनाव लड़ेंगे उस पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। दरअसल ओवैसी की पार्टी गोपालगंज में अपने बढ़ते वोट को देखते हुए काफी उत्साहित है और गोपालगंज के नतीजे जिस प्रकार सामने आए हैं उसमें ओवैसी की भूमिका बड़ी मानी जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के हार में कहीं ना कहीं ओवैसी की पार्टी का भी अहम रोल है। उसी की वजह से आरजेडी वहां से हार गया था। बहरहाल कुढ़नी विधानसभा में भूमिहार, कोयरी, मल्लाह और यादव वोटरों की संख्या अच्छी खासी है। मुसलमान और वैश्य वोटर भी प्रभावशाली हैं। ऐसे में सभी पार्टियां इस सीट को लेकर काफी सजगता से चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन टिकट का पत्ता किसी भी पार्टी ने अब तक नहीं खोला है और ना ही ये बताया है कि वहां से कौन चुनाव लड़ने जा रहा है। बहरहाल ये इंतजार का विषय है। खासकर ये भी तय नहीं है कि वहां से जेडीयू उम्मीदवार देगा या फिर आरजेडी। दोनों में सहमति कैसे बनती है और दोनों में कौन सी पार्टी के उम्मीदवार कुढ़नी विधानसभा चुनाव में उतारे जाते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल बिहार की सियासत का पल पल का अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप इस वीडियो को Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जितने लोग हम लोगों ने कहा था सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित है। सब संडे का दिन है, सभी को कहीं ना कहीं जाना है। अब सीधे मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर विजय शर्मा जी से कि आए और कम शब्दों में अपने विचार को। पेशे से व्यवसायी हैं पर सामाजिक विषयों में बड़ा अच्छा अनुभव रखते हैं। कुढ़नी के चंद्रगढ़ी निवासी हैं। उनके बगल में मेरे मित्र अग्रणी जिस चीज को पूरे कुढ़नी की और देश को जरूरत है शैक्षणिक उस शिक्षक संघ के